कूल ड्रिंक लिजर्ड। चंबलपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत चालबाज था। वो गांव भर में घूमकर लोगों को ठग कर पैसे कमाता रहता था। उसके पास एक थैली थी, उसमें छिपकली, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, चींटी जैसे कई किस्म के खिलौने थे। चलिए देखते हैं कि वो इनको लेकर कैसे लोगों को ठगता था। एक दिन वो एक ढाबे पर गया। वहां ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ था। भैया, एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी, तंदूरी चिकन, मटन लेग पीस, मटन कीमा, सब लेकर आओ। वेटर ने वो सारे आइटम्स लाकर टेबल पर रखा। वो उन सबको डटकर बड़े मजे से खाने लगा। बाद में चुपके से अपने थैली में से एक कॉकरोच को बाहर निकाला और बची हुई बिरयानी में रखकर, ए, यहाँ का मालिक कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? मैं क्या तुम्हें भीख मंगा दिखता हूँ? अरे ओनर कौन है? याओ, कहकर चिल्लाने लगा। ये शोर सुनकर बाकी ग्राहक ने अपना सिर घुमाकर क्या हो रहा है ये देखने लगे। इतने में ओनर आया। क्या हुआ सर, आप यूं चिल्ला क्यों रहे हैं? तो तुम ओनर हो? ये क्या है, देखो तुम्हारे बिरयानी में क्या निकला है, कहकर कॉकरोच को उठाकर दिखाया। ओनर ने तुरंत उसे झट से छीना। भैया ये तमाशा ना करो प्लीज, कहकर कस्टमरों से, हे हे, कुछ नहीं, हम बस छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग खाइए, आराम से खाइए। इस तरह वे सब आराम से खाने में लीन हो गए। बाद में, भैया धीरे से बोलो, जो हुआ उसके लिए माफ करो, मेरा धंधा खराब ना करो, 35 सालों से ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, तुम्हें बिल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मेहरबानी करो और बिना तमाशा किए यहाँ से चले जाओ। क्या, मैं तुम्हें कैसे दिखता हूँ? तुम्हारे बिल के पैसे किसे चाहिए भाई? मैं फूड इंस्पेक्टर को शिकायत करूंगा तो जानते हो क्या होगा? इस कॉकरोच का फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाला तो तुम्हारे ढाबे का और तुम्हारा क्या हाल होगा जानते हो? चुपचाप 10,000 रुपए दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहकर उसे धमकाया। बेचारा ओनर लाचार होकर उसे 10,000 रुपए दिए। एक गाँव में एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। उसका मालिक था आत्माराम। उसका बेटा लड्डू पिताजी का हाथ बटाता था। वो मंद बुद्धि का था पर आदमी बहुत अच्छा था। जब पिताजी दुकान पर नहीं होते थे तब वो दुकान में रखे बन, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह गली में जा रहे कुत्तों को डालता था। वे दुकान के सामने आकर आराम से खाते रहते थे। दुकान से थोड़ा चीनी लेकर चींटियों के बिल में डालता रहता था। दुकान के पास आने वाले गायों को केले भी डालता था। अरे मूर्ख, हमने दुकान 4 पैसे कमाने के लिए खोला है, यूं दान पुण्य करने के लिए नहीं, दोबारा यूं किसी भी जंतु को तुम कुछ भी डालोगे तो मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। दुकान चूहों और छिपकलियों से भरा हुआ है, उन्हें भगाने के बजाय उन्हें खाना डालकर तुम पालते हो, कमबख्त। एक दिन लड्डू दुकान पर एक छिपकली को पकड़कर, धत, मेरे पिताजी बहुत खुदगर्ज हैं, उन्हें और जीवों से प्यार ही नहीं है, वरना इतने सुंदर छिपकली के बच्चों को भगाने को कहते। मेरी प्याली छिपकली, तुम कितनी सुंदर हो, अरे बड़ी प्याली लगती हो, प्यास लगी है बेटा, कूल ड्रिंक पियोगे, कहकर उसे एक कूल ड्रिंक के बोतल में डाला। ठीक उसी समय कन्हैया दुकान के पास आया और दुकान को देखकर, ओह धूप बड़ी करारी है, एक ठंडा कूल ड्रिंक पीना होगा, बाद में ठग कर पैसे भी ऐंठने होंगे, ऐसा उसने सोचा। यूं वो दुकान के पास आया और एक कूल ड्रिंक चाहिए, तब लड्डू ने कूल ड्रिंक दिया। कन्हैया ने एक छोटे से चूहे वाला खिलौना को उठाया और कूल ड्रिंक की बोतल में डाला, फिर उसे पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बोतल को देखा तो उसमें छिपकली दिखाई दी। ये क्या, मैंने तो इसमें चूहा का खिलौना डाला था, इसमें छिपकली कहाँ से आई भाई, कहकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर लड्डू, वो छिपकली का खिलौना नहीं, सचमुच की छिपकली है, ये मेरी प्याली छिपकली है, मैं इसे पाल रहा हूँ भाई, उसे कूल ड्रिंक्स पिलाने के लिए मैंने उसमें डाला था, गलती से वो बोतल मैंने आपको दे दिया, यहाँ दीजिए, मैं आपको दूसरा बोतल कूल ड्रिंक का देता हूँ। बस कन्हैया गश खाकर गिर गया। अमीर गरीब। परमेश मिश्रा नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी नीलिमा मिश्रा।
नीलिमा को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता था जो औरतों की अवहेलना करते थे या झूठ बोलते थे। एक बार परमेश मिश्रा ने विनय नाम के एक युवक को इंटरव्यू किया। वो विनय की सूझबूझ से काफी प्रभावित हुआ। वेरी गुड विनय, यू आर अपॉइंटेड एज सेल्स हेड, कहकर हाथ मिलाया। इस तरह विनय उस कंपनी में नौकरी पर लग गया। विनय बहुत मेहनती था। एक दिन नीलिमा अपनी सहेली से, मेरे डैडी मुझे शादी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं तुम लोगों की तरह लड़की देखने आए लोगों के सामने सर झुकाकर नहीं बैठ सकती। मैं जिससे शादी करूंगी उससे मुझे आके मिलना होगा, यानी स्वयंवर का आयोजन करूंगी मैं। अगले दिन अखबार में, क्या आप मशहूर उद्योगपति की बेटी से शादी करना चाहते हैं? क्या आपके पास कम से कम 1,000 करोड़ की संपत्ति, पढ़ाई और स्मार्टनेस है? यदि हाँ तो तुरंत इंटरव्यू के लिए आइए, नीलिमा मिश्रा। यूं लिखा था। उस अखबार को देखकर एक दोस्त, यार विनय कहती है कि 1,000 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। अरे वाह, जो इससे शादी करेगा वो बहुत खुश नसीब होगा यार, इसको राजी करना बहुत मुश्किल है। ये कितनी होशियार है, मैं तभी समझ गया था जब इसने पेपर में ऐड दिया। ऐसे लोगों को आसानी से मना सकते हैं। तो ठीक है, तुम उसे जाकर शादी के लिए राजी करो। 10,000 की शर्त लग गई। 10,000? अरे यूं तो मैं शर्त नहीं लगाता, पर घर पर अर्जेंट पैसे भेजना है। चलो मैं शर्त के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो सूट पहनकर बड़े ठाट से नीलिमा के पास गया। प्लीज कम, हैव अ सीट। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? अरे इंटरव्यू नहीं, तो क्या मैं फिल्म देखने आया हूँ? व्हाट अ सिली क्वेश्चन, लगता है कि आपका IQ लेवल बहुत कम है। ओह आई एम सॉरी, आप क्या करते हैं? एक और सिली क्वेश्चन, अगर आप ये पूछते कि आप क्या नहीं करते तो अच्छा होता। टेक्सटाइल बिजनेस से लेकर TV मैन्युफैक्चरिंग तक, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, यूं और कई बिजनेस हैं। स्टेट्स में टेक्सटाइल्स, जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट्स, स्विट्जरलैंड में सॉफ्टवेयर बिजनेस। ओह आई एम सॉरी, यूं बोलता ही गया तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाय द वे आई एम विनय, जल्दी इंटरव्यू करें, मुझे सिंगापुर जाना है। उसकी बातों से नीलिमा बहुत इम्प्रेस हुई। आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? नहीं भाषाएं जानता हूँ, अरे मुझे लगता है कि आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा नहीं जानती। Am I correct? मुझे जापनीज, कोरियन, थाई, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन, यूं तकरीबन 30 भाषाएं बोलना और लिखना जानता हूँ। काशी खुशी खुशी खो शीशा खुखुश कोशिशे। ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये स्वाहिली भाषा है, इसका मतलब है आप बहुत सुंदर हो। ये बात सुनकर वो पिघल गई। वाव, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर जब तक हम 2-4 बार और न मिल लें, एक दूसरे को समझना मुश्किल है, तभी मैं कोई निर्णय ले सकूंगी। कल शाम को पार्क में मिले। यानी मेरा 10,000 गया? 10,000 क्या? वो 10,000 नहीं, 10,000 करोड़ की डील के बारे में सोच रहा था। ठीक है, कल हम पार्क में मिलते हैं। अगले दिन शाम को एक महंगी कार सड़क पर आ रही थी तो विनय जानबूझकर उसके सामने गिरा। कार का मालिक हड़बड़ाकर विनय को उठाया और उसे कार में बिठाया। सॉरी सर, पानी पियेंगे? कौन सा अस्पताल जाना है बताइए। कितना मर्जी खर्च हो कोई बात नहीं। अरे अस्पताल की जरूरत नहीं है सर, थोड़ी चोट लगी है, जरा उस पार्क के पास उतार दीजिए प्लीज। वो यूं कार को पार्क के पास ले जाकर रोका। वहाँ उसने डोर खोला तो विनय कार से उतरा। वाव, कार तो बहुत बढ़िया है, आपका ड्राइवर भी सूट पहनता है। मेरे पास काम करने वालों को सूट पहनना होता है, वरना मैं उन्हें नौकरी पर नहीं रखता। ये कार सबसे सस्ता है, इसकी कीमत केवल 5 करोड़ है। ड्राइवर ने मांगा तो मैंने उसे दे दिया। हर रोज कोई ना कोई आकर कार दान करने के लिए कहता रहता है, अब अपने पास काम करने वालों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। ये सुनकर नीलिमा ने फैसला कर लिया कि इसी से शादी करेगी। उसने तुरंत, आप मेरे साथ फौरन आइए प्लीज, कहकर उसे अपने साथ ले गई। यूं उसे एक बंगला के पास ले गई। हमारा घर आपके घर जितना बड़ा तो नहीं होगा, पर मेरे पिताजी भी एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है श्री परमेश मिश्रा। क्या, परमेश मिश्रा, आप उनकी बेटी हैं? हाँ, क्यों, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो देखिए, बातों बातों में डैडी आ गए। डैडी, दिस इज विनय।
हाय विनय, मैं विनय को क्यों नहीं जानता? मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप विनय को जानते हैं? कैसे कैसे जानते हैं? क्यों विनय, अपने डैडी को जानते हैं? अरे एक बार लंदन में मेरा फ्लाइट मिस हो गया था तो इसने अपने प्राइवेट फ्लाइट में मुझे लिफ्ट दिया था, और एक और बार बिना ब्याज के पूरे 1,000 करोड़ रुपए इसने मुझे उधार दिया है। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, घर अर्जेंट 10,000 रुपए भेजने के चक्कर में मैं ये गलती कर बैठा सर। सॉरी नीलिमा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना। नीलिमा बेटे, विनय अपने कंपनी में ही काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे लक्षण हैं उसके पास। उसके पास पैसे नहीं हैं, पर हमारी कंपनी को 10 गुना बढ़ाने के सारे सूझबूझ उसके पास हैं। तुम्हें एतराज ना हो तो उससे शादी कर लो बेटा। नीलिमा मान गई तो शादी बड़ी धूमधाम से हुई।